बसमिल रिम एक्सरसाइज सेवन ए क्वेश्चन नंबर टू फाइंड द वैल्यू ऑफ ए इफ़ ए इक्वल इफ़ ए रेशो फोर हंड्रेड इज़ इक्वल टू सिक्स रेशो ट्वेंटी फ़ाइव ठीक है अब आपने सबसे पहले रेशो को लिख लेना है ए रेशो फोर हंड्रेड इज़ इक्वल टू सिक्स रेशो ट्वेंटी फाइव जब इस तरह से आपके पास होगा तो आपने क्या करना है एक्सट्रीम वैल्यूज़ मल्टीप्लाई मल्टीप्लाई एक्सट्रीम वैल्यूज़ इज़ इक्वल टू मल्टीप्लाई मीन वैल्यूज़ मीन वैल्यूज़ जो सेंट्रल वैल्यू होती हैं और एक्सट्रीम वैल्यूज जो दोनों यानी एक्सट्रीम स्टार्टिंग एंड एक्सट्रीम एंड और मिडल वाली वैल्यूज़ तो मीन्स और एक्सट्रीम को आप इस तरह से कर लें एक्सट्रीम वैल्यू ट्वेंटी फाइव ए हो जाएगा और मीन वैल्यू तो ये फोर हंड्रेड को सिक्स से मल्टीप्लाई करेंगे ट्वेंटी फोर हंड्रेड हो जाएगा ना एज इक्वल टू ट्वेंटी फोर हंड्रेड डिवाइडेड बाई ट्वेंटी फाइव एज इक्वल टू ट्वेंटी फाइव और ट्वेंटी फोर हंड्रेड की कटिंग हो जाएगी और नाइन्टी सिक्स इज द आंसर ठीक है अब सेकेंड पार्ट ऑफ द क्वेश्चन गिवन दैट 5b ratio 8 is equals to 2 ratio 5. Find the value of b. Again is ka bi 5 b ratio eight is equals to 2 ratio 5. So extreme values or mean values. Extreme value of 5 5 times. 25 B is equals to A2 times 16. B is equals to 16 by 25. These two are not simplified. That's it.